जी प्रणाम, मैं श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी टड़िया जखनी वाराणसी। 35 वर्षों से सिलेक्शन पद्धति से और जैविक खेती कर रहा हूँ। भारत भ्रमण किया, लाखों किसानों को अपने द्वारा विकसित की गई प्रजाति फ्री सैंपल बांटा और किसानों से बताया कि आप इसको लगाइए, अगर आपके जलवायु भूमि में अच्छा होता है तो बीज से बीज बनाइए, स्वावलंबी बनिए। देखिए यार, गेहूँ कुदरत 8 का प्लाट लगा है, ब्रीडर प्योर लाइन का बीज बना रहा हूँ और किसानों को 25 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम फ्री सैंपल भी बांटेंगे और जिसको चाहिए अपना लागत पूंजी लेकर के इसका क्रय विक्रय भी करेंगे। ये देखिए, कुहू सिंह रघुवंशी है हमारी पोती, ये नाती है गौरांग सिंह और ये करिश्मा सिंह। बच्चे मन के सच्चे, इनका दिमाग कच्चा। जैसे कुम्हार जो है मिट्टी के पात्र को गढ़ता है, मूर्तिकार मूर्ति को गढ़ता है, फिर उसमें लाखों हजारों अनंत ठोकर खाने के बाद एक मूर्ति बनती है जो भगवान होते हैं, पूजनीय होते हैं, उसी तरह से इन बच्चों को बचपन से ही जिस लाइन में जिस दिशा में ले जाना है वो संस्कार दीजिए तो वो इनके दिमाग में आ जाएगा। मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा रहा हूँ, गुरुकुल में भी भेज रहा हूँ, संस्कृत भी पढ़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ देश भर के किसान भाई अपने बच्चों को साधु संत महात्माओं के सत्संग में ले जाएं और गुरुकुल में भी भेजें, वेद विद्यालय में भी भेजें, अपने घर पर आचार्य को बुला करके संस्कृत का भी ज्ञान दें, हिंदी का भी दें और अंग्रेजी भी पढ़ावें। बच्चा पढ़ करके डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, इनके भविष्य में क्या है ये तो इनका भाग्य और कर्म बताएगा, लेकिन मेरा कर्तव्य और धर्म बता है कि छोटे बच्चों के दिमाग में जो मैं आज डालूँगा वो इनके जीवन भर काम आएगा। जैसे हमारे पूर्वज, हमारे बाबा देवनंदन सिंह बच्चे खासे पहलवान थे, 30-35 गाय बैल रखे थे और बहुत सज्जन पुरुष थे, उन्होंने अच्छी खेती किया, उसके बाद जो है गौ पालन किए। फिर हमारे पिताजी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे, LLB भी किए थे, इसके बाद भी प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे और उन्नतशील प्रगतिशील किसान थे, भारत देश के सभी यूनिवर्सिटियों में जा जा करके उन्नत किस्म को बीज को लाना, लगाना, उसका क्रय विक्रय करना। फिर उनसे मैं सीखा बचपन से, मैं सीखने के बाद अपने बच्चों को सिखाया, अब मैं इस नाती पोता को भी सिखा रहा हूँ कि बीज का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, बीज का अर्थ क्या है, बीज में जर्मिनेशन अच्छा हो, अधिक उत्पादन क्षमता का हो, तेज आंधी तूफान चलने पर पौधा गिरने वाला न हो, रोटी चपाती अच्छा हो, जिंक आयरन और ग्लूकोन और आपके तमाम मिनरल तत्व हो, यूनिवर्सिटियों में भेजिए, ट्रायल करवाइए, रिपोर्ट अच्छा आ रहा है तो आप स्वावलंबी बनिए, गवर्नमेंट से लाइसेंस बनवाइए, सीड सर्टिफिकेशन विभाग जाइए, यूनिवर्सिटियों से ब्रीडर फाउंडेशन खरीदिए, 10 हेक्टेयर 20 हेक्टेयर में प्रोटेक्शन करिए, फिर उसका ब्रांडिंग पैकिंग करिए, गांव का किसान स्वावलंबी और समृद्ध बनेगा, गांव का पैसा गांव में, किसान के पैसा किसान के हाथ। आज बड़े बड़े बीज कंपनी वाले देश विदेश के हजारों करोड़ों रुपए का व्यापार कर रहे हैं, किसान के जेब से पैसा जा रहा है और किसान की लागत पूंजी लग रही है। यही गेहूँ मैं अभी बाजार में बेचूँ तो ये बिकेगा 20-22 रुपये 25 रुपये किलो, अगर इसी को मैं ऑर्गेनिक बनाया हूँ तो ये 50-60 में बिकेगा, उन्नतशील का बीज बनाकर बेचूंगा तो 70-80 रुपये किलो बिकेगा। हमारे आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि किसान की आय दुगना करना है तो वो तो साधन सुविधा बना दिए, आप यूनिवर्सिटियों में जाइए, कृषि विज्ञान केंद्रों में जाइए, वैज्ञानिकों से सलाह लीजिए, गाय पालिए, बैल रखिए, जीरो बजट की खेती करिए, फसल चक्र अपनाइए, मिट्टी का उर्वरा शक्ति बढ़ता रहे। तो मैं संदेश दे रहा हूँ देशवासियों को, किसान भाइयों जागो और जगाओ, खुद खाद बीज बनाना सीखो और सिखाओ, क्रय विक्रय करो, घर बैठे स्वरोजगार पाओ, अगर आप स्वावलंबी होंगे, आप विकास करेंगे तो आपको देख करके और गांव के लोग विकास करेंगे, यही मेरा मिशन चल रहा है। अब तो आँख की रोशनी कम हो गई है, थोड़ा बीमारी चल रही है इसलिए, अच्छा वर्तमान समय में प्राण घातक बीमारियाँ इतनी फैल रही हैं, लाखों करोड़ों रुपये डॉक्टर ले रहा है, हॉस्पिटल ले रहा है,
लेकिन प्राण नहीं बच रहा है। अगर जीवित रहना है तो गाय का शुद्ध दूध पीजिए, गाय के गोबर गोमूत्र से उत्पादन किया हुआ खाद्य पदार्थ लीजिए, आपका 75% बीमारी खत्म हो जाएगी। हमारे गेहूं का विश्व रिकॉर्ड आया है, हमारे गेहूं में कुदरत 9 और कुदरत 17 में 48% आयरन जिंक की मात्रा आई है। पूरे भारत में ऐसा कोई गेहूं नहीं है किसी यूनिवर्सिटी का जिसमें इतना आयरन जिंक की मात्रा पाई जाती हो। तो कुदरत ने हमको दिया है, इसलिए हम कुदरत नाम सबका रखें। यह गेहूं कुदरत 8 है, देखो प्लाट पूरा दिखाओ। इतना तेज आंधी तूफान आया कि पूरे क्षेत्र का पौधा गिर गया, लेकिन ये प्लाट मेरा नहीं गिरा। जय हिंद जय भारत। जोर से बोलो बच्चों, वंदे मातरम, वंदे मातरम, देसी भी, देसी भी, आजादी का भी, आजादी का भी। हम बच्चे, हम बच्चे, बीज बनाएंगे, बीज बनाएंगे, बीज बेचेंगे, बीज बेचेंगे, बीज दान करेंगे, बीज दान करेंगे, किसानों की सेवा करेंगे, किसानों की सेवा करेंगे। प्रणाम, प्रणाम। चलो।